हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर टॉक्स। न्यू वीडियो में आपका फिर स्वागत है। और आज की जो वीडियो है ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली जो मैं हर बार अपलोड करता हूँ। इट्स द ब्लॉग एंड माय फर्स्ट ब्लॉग, सो डेफिनेटली मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ होंगी। आप उन गलतियों को माफ़ कर देना क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। बट हाँ, आज की जो जगह है काफ़ी खूबसूरत है और जिस जगह पर मैं घूमने जाने वाला हूँ सो पास में है, बट काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत है। तो वीडियो को एंजॉय करना और आपको वीडियो देखने में काफ़ी मजा आएगा। तो मिलता हूँ आपको तैयार होके ऑन बाइक, और आज जाने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ, तो डेफिनेटली आपको मज़ा ज़रूर आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो। सो गाइस, रेडी टू गो एंड अब 6 बज चुके हैं मॉर्निंग के, और गाड़ी को कूल से हॉट करते हैं और डायरेक्ट सीधे निकलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सो माय फर्स्ट ब्लॉग है, सो आई नो उतना अच्छा नहीं रहेगा और उतना प्रोफेशनली भी शूट नहीं कर सकता क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली जो एक वीडियो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली मैं इसको एक्साइटमेंट इसके ब्लॉग की है जो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको पसंद आए। जो गरीब पास नहीं, हम गरीब पास में फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे छिपटा रात इन पहाड़ों के, चमकता जुगनू जैसे तारे लाल इन फिजाओं में, लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा। सो गाइस, आ चुके हैं अपन अपनी जगह पर और जाना है कहीं उधर पर, जो बैक साइड में आपको लिखा ना, ये यहाँ कहीं पर पहुँचना है। और यहाँ से अगर आपको व्यू दिखाऊं, सो लुक एट दिस व्यू, इफ ये अगर इतना प्यारा है तो ऊपर जाने के बाद कितना खूबसूरत होगा। और आई नो इस ब्लॉग को मैं बहुत ही छोटा रखने वाला हूँ, इतना कोई बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि मेरे दिमाग में इतने थॉट्स भी नहीं आ रहे हैं कि मैं इसको कैसे एडिट करूँ और क्या करूँगा और कैसे शूट करूँ। सो बहुत छोटा ब्लॉग रहेगा, बट आई होप यू एंजॉय इट। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बाय बाय। सो आप जैसे देख पा रहे हो कि बिल्कुल ऐसी सीढ़ी होने वाली, कोई प्रॉपर सीढ़ी नहीं है। सो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस भी ये होने वाला है और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। इतनी सी ऊपर चढ़े मुश्किल से 100 या 150 सीढ़ी, उतने में सांस फूलने लगी है जी। और ही इज माय फ्रेंड अमित, सो लेट्स कंटिन्यू। Look at this view, guys. It's amazing, amazing, and amazing. Let's continue. Oh. ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं, हम गरीब पास में फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे छिपटा रात इन पहाड़ों के, चमकता जुगनू जैसे तारे लाल इन फिजाओं में, लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में। सो गाइस, बैंड बच चुकी है क्योंकि एकदम स्टीप था, सीढ़ियाँ थी नहीं, टोटली 70 पे है, तो ध्यान से भी चढ़ना है मगर सीरियसली, इफ एनी वन लव एडवेंचर सो डेफिनेटली यू
कम टू दिस प्लेस। और भोपाल से 70 किलोमीटर के अप्रोक्स होगी, नाम है नरवर और इसको बोलते हैं नरवर की घाटी। सो स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें आप डायरेक्ट ऊपर पहुँच कर। अथक प्रयासों के बाद और काफ़ी ज़्यादा मेहनत परिश्रम सब करने के बाद फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन। और अब आप इस सिनेमैटिक व्यू को एंजॉय करो, क्योंकि इसी सिनेमैटिक व्यू में मैं आपको इस जगह की खूबसूरती दिखा दूँगा। सो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय दिस सिनेमैटिक्स और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और अगर आप लोगों को आना है तो इसको नरवर की घाटी बोलते हैं और भोपाल से अप्रॉक्स 60 या 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगी। और मैं आपको यहाँ पे मैप में भी दिखा दूँगा और मैप में भी इसका जो लोकेशन है वो डाल दूँगा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस, टोटली एडवेंचर होगा, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में सीढ़ियाँ नहीं हुई करती थी और पत्थर की सीढ़ियाँ होती थी उससे आते थे, तो वही सिस्टम यहाँ पे अभी भी है। यहाँ पे कोई भी आपको सीढ़ी वगैरह नहीं मिलेंगी। सो इफ़ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस, कम, बहुत खूबसूरत जगह है, टोटली वर्थ इट है। और आप जहाँ पे आके अगर अपनी ज़िंदगी का एक घंटा भी बैठाते तो बिल्कुल सुकून और कोई कुछ भी नहीं, लाइक बहुत पीसफुल प्लेस है। दिल में चलता रहा गगन बरस पड़ा तो आवा कर चले कर श्वेत पव।